रांची के होटवार जेल में बंद निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंगल से मिलने उनके अधिवक्ता व रिश्तेदार शनिवार को यहां पहुंचे। मुलाकात करने वाले का नाम सुधांशु बताया जा रहा है। उनकी मुलाकाती रजिस्टर में अपने नाम की एंट्री रिश्तेदार और अधिवक्ता के रूप में की गई है। कहा जा रहा है कि पूजा सिंगल के लिए जमानत की अर्जी अदालत में दाखिल करने की तैयारी है, इस वजह से यह अहम मुलाकात हो सकती है। हालांकि पूजा सिंगल की ओर से किसी भी तरह की जमानत की अर्जी न्यायालय में दाखिल नहीं की गई है। आपको बता दें कि जेल में पूजा सिंगल का अनाधिकृत रूप से पति अभिषेक झा से मुलाकात करने के चर्चे हैं। हालांकि जेल प्रशासन इससे इनकार कर रहा है। जेल अधीक्षक हदीम अख्तर के अनुसार मौजूदा समय में कैदियों से मुलाकात के लिए अधिकृत रूप से छूट है। रजिस्टर में एंट्री कराकर कोई भी मुलाकात कर सकता है। जेल में मुलाकात करने वालों की एंट्री रजिस्टर में की जाती है। आपको बता दें कि पूजा सिंगल के लिए घर से गद्दा भेजा गया है। इसके अलावा उनके खाने के लिए स्नैक, नूडल्स, दवाई, शैम्पू, साबुन सहित कई सामान भी भेजे गए हैं। फिलहाल पूजा सिंगल को जरूरत के अनुसार सारे सामान उपलब्ध होने लगे हैं। उनके साथ रह रही महिला कैदी भी उनकी सेवादार भी बनी है। खाना पीना कपड़े धोने तक का काम महिला कैदी कर रही है। उनके लिए सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना लाकर महिला कैदी ही देती है। पूजा सिंगल की जेल तनाव के बीच कट रही है, चूंकि वह ज्यादातर अपसेट रह रही है। लोगों से बातचीत भी कम करती है, केवल साथ रहने वाली महिला कैदियों से ही थोड़ी बहुत बातचीत करती है। उनका दिनचर्या पूरे दिन अपने कमरे में बैठकर ही कट रहा है। आपको बता दें कि शाम के वक्त निकलकर जेल कैंपस में टहलती हैं, इसके बाद वह कमरे में जाकर वापस सो जाती हैं। लेकिन वह किसी को भी महत्व नहीं दे रही। पूजा सिंगल हमेशा अपने परिवार और पुराने दिनों की याद में खोई रहती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।